सेंधमारों ने बुधवार को सेक्टर 27 के ही दिगंबर जैन मंदिर को भी निशाना बनाया। सेंधमारों को पुलिस का कोई खौफ यहां पर भी नजर नहीं आया। सेक्टर 27 के सनातन धर्म मंदिर के बाद इन्होंने साथ लगते जैन मंदिर को भी चोरी की वारदात के लिए चुना और चोरी की वारदात को अंजाम भी दिया। देर रात करीब 2 बजे सेंधमारों ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर संचालकों ने बताया कि मंदिर का चौकीदार देर रात शौचालय गया तो सेंधमारों ने मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद चौकीदार को मंदिर परिसर में आहट सुनाई दी तो उसने जांच शुरू की। इसके बाद सेंधमार मौके से फरार हो गए। सेंधमारों को भागता देख चौकीदार ने उनका पीछा भी किया लेकिन वो फरार हो चुके थे। चौकीदार ने ही मंदिर संचालकों को सूचित किया जिसके बाद पता लगा कि चोर मंदिर से लगभग 10 किलो का चांदी का छत्र लेकर फरार हुए हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने भी अपना रटा रटाया अलाप अलापा और कहा कि इस जांच के बाद सेंधमारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो पता चला ऐसे कि 2:20 पे हमारा जो चौकीदार है वो बाथरूम गया। जैसे वो बाहर आया तो उसको लगा कि कुछ आहट हो रही है, तो जब उधर गया वो प्रतिमा जी के पीछे, उधर से जो उसको आहट लगी, जब वो उधर गया तो उसको लगा कि 2 आदमी भाग रहे हैं, उनके पीछे वो भागा। अंदर आके उसने जो और कर्मचारी सो रहे थे उनको उठाया तो सामने वो पार्क से लगा कि वे उधर से जा रहे हैं भागते हुए, वो उनके पीछे भागा कर्मचारी हमारा। तब तक वो क्रॉस कर चुके थे, फिर उसने 100 नंबर पे फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया, तो हमने आके अपने कैमरे में देखा है तो कैमरे में 2:21 पे 2 आदमी 2:21 पे 2 आदमी इधर पार्क से आ रहे हैं इधर की साइड में, और 2:26 पे ही वो वापसी गए हैं। मतलब 5 मिनट के अंदर उन्होंने अंदर आके ताला भी तोड़ लिया और छतर तोड़ के लेके भाग गए। कितना नुकसान हुआ? करीब 1.5 लाख के करीब की कॉस्ट होगी उसकी छतर की। सिर्फ छतर गया? एक चांदी का छतर जी, 10-12 किलो का छतर था, पुराना छतर था, सोने का पानी। देखिए जी, पुलिस प्रशासन से अब बात करेंगे। रात DSP साहब आए थे, उनसे हमने बात की थी तो DSP साहब ने अपनी पूरी टीम बुलाई थी, उनकी फोरेंसिक टीम भी आई थी और डॉग स्क्वाड भी आई थी। तो डॉग स्क्वाड ने देखा है वो पार्क से आगे तक डॉग गया है, पार्क क्रॉस करके स्कूल के साथ तक, उसके आगे वो डॉग घूम के वापस आ गया। अब इसके बारे में पुलिस के बारे में देखते हैं कि पुलिस पार्टी क्या करती है।